आजा मैं लोग ट्रेनिंग मोड में आ गया ये। ऑलराइट गाइस, तो दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का पहल वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में यार। तो गाइस पीछे मेरे देखो ये मोटू सा पोटू सा हाथी भाई, हाथी बोल पैरों क्या बोलते हैं इसको, एक गोल गोल सा पत्थर तोड़ता है, इसकी एक एबिलिटी दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। ये देखो गाइस देख रहे हो भाई, डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है। सो एज यू ऑल नो यार कि मैं पिछले एपिसोड में गया था भाई क्रो को पकड़ने, काला कौवा भाई उसको मैं पकड़ने नहीं गया था, वो इंसिडेंटली क्या ही बोल सकते हैं उसको, मतलब एक्सीडेंटली भाई मिल गया था वो अपने को गलती से। वो 100 साल में एक बार आता है मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो 100 लेवल का कौवा था भाई, जो कि डार्क पोकेमोन है, और वो दिन में घूम रहा था बर्फीले आइलैंड पे, क्या ही बोलूं। तो गाइस अगर आप लोग को पता है, मतलब आप लोग ने अगर वो एपिसोड देखे हो तो आप लोग को तो पता होगा, पर जिसने नहीं देखा यार वो जाके फटाफट से देखो, क्या कर रहे हो भाई। सो गाइस आज के एपिसोड में यार मैं जा रहा हूँ पोकेमोन्स को ब्रीडिंग में लगाने, बट मैंने सबसे पहले ये देख लिया भाई कि रेप्टाइल जो है ना इसकी पावर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, ये वाली भाई, ये ना एक ही बार में डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता है, ड्रिल ड्रिल क्रशर बन जाता है। सो मैं चाह रहा हूँ इसको मेमोरिस्ट पे टेस्ट करने, कैसा लगता है अगर मेमोरिस्ट पे ये पावर टेस्ट होगी तो। लेट्स गो। ओके गाइस, तो मेमोरिस्ट भैया की जय हो यार, ये देखो मेमोरिस्ट भैया यही है, तो इनके ऊपर अब अपन अपना डिक्टोइस टेस्ट करेंगे क्या होएगा इसके साथ। तो भाई साइज देखना यार, ये देखो भाई डिक्टोइस मेमोरिस्ट से बड़ा है, अपना डिक्टोइस मेमोरिस्ट से बड़ा है। तो ये देखो क्रशर मोड में आ गया साल, इसको तो पास में आने दे, पहले 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 उससे अटैक कर दो, उसको अटैक करो भाई, ड्रिलिंग मशीन चल रही है, तो ये वर्ड अटैक कर रहा है यार। ओके अब जा डिस्ट्रक्टिव मोड में जा भाई, ड्रिलिंग मोड में आ चुका है ये, आ जा मैं लोग के गाइस ड्रिलिंग मोड में आ गया ये साले, तो उसको मारना यहाँ क्या कर रहा है वो भाई, कितना पूरा घूम रहा है यार ये, कितना लंबा घूम रहा है ये, देखो रुक गया तो साले मोटे तेरे पास पावर और है नहीं, ओके भाई खत्म हो जाएगा ये। ऑल राइट गाइस, तो डिस्ट्रक्टिव मोड इसका आप लोग ने देखे कैसा है, डिस्ट्रक्टिव बोल रहा हो भाई, ड्रिलिंग बोल दो। अब अपन चलते हैं जॉर्मुंडाइड के पास, अपने ये सब पोकेमोन मिलके जॉर्मुंडाइड को हरा पाएंगे, अपन जेड ड्रैगन को नहीं निकालेंगे, खाली रेप्टाइल और गोरेप्टेरा के ऊपर होने वाला है ये। ये देखो गाइस रेप्टाइल भी इतना ज्यादा बड़ा है कि क्या ही बोला जाए, ये देखो ठीक है अपन चलते हैं सीधा जॉर्मुंडाइड यही रहता है क्या, क्या फास्ट ट्रेवल यूज करें, सीधा चलो जॉर्मुंडाइड के पास, यहीं से जाते हैं भाई, यहीं कहीं रहता है वो मेरे हिसाब से तो। मैं उल्टा चल गया। ओके गाइस, तो मैं जॉर्मुंडाइड के पास वाले आइलैंड बेस फैमिली, और ये देखो ये जंगली जानवर लोग मेरे को मारने आए हैं, तो अपनी क्या बोलते हो रिंग ऑफ मर्सी तो मैं पहना नहीं हूँ, इन लोग के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं। चल बेटा भाई, मतलब मैं इन लोग को कमजोर दिखाई पड़ रहा हूँ, दो गोली के नहीं है, और नहीं था, और कोई नहीं था, ठीक है चलो कोई ना, चलते हैं अपन फटाफट से रिलैक्स, सौरस के साथ थोड़ा खेला जाए, लक्सी बाबू भाई ये दोनों टपक रहे हैं, और चल। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे इन लोग के पास नहीं रहते हैं, ये देखो स्वीपा की पूरे खानदान को एक ही बार में मारेंगे, चलो खानदान खत्म भाई, इन लोग का तो पूरा खानदान खत्म हो गया, अब मेरे ऊपर मेरे सर पे भाई खून का केस आ गया है। तो अब अपन इसके पास चल देते हैं, सीधा जेड ड्रैगन लेते हैं, मेरे जेड ड्रैगन का मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है स्टेमिना कम हो रखा है, ठीक है चल बेटा जेड ड्रैगन तो नहा लिया निपटा, अबे भाई ये तो अपने मिसाइल से याद हो रखा है, ठीक है अब अपने रेप्टाइलों की बारी, बताइए तो सर, ओ मैन ये क्या सीन है, ये तो मर गया साले, तू तो अलग ही अटैक कर रहा, मारा रेप्टाइल अटक गया भाई, और एक तेरा की बारी, जाओ बेटा वो फेल दिया भाई, खत्म कर दिया इसको। ऑल राइट गाइस, तो ये देखो जॉर्मुंडाइड पड़ा है, तुम लोग साले तुम लोग को मैंने कुछ बोला, कुछ बोलो नहीं भाई तो भी अटैक कर देते हैं, ये देखो गाइस जॉर्मुंडाइड कुत्ते की तरह पड़ा है। ओके देन अपन चलते हैं अब सीधा बेस पे भाई, और जितने भी अपने बड़े बड़े पोकेमोन्स हैं ना, जो भी बॉस हैं, पहले बेस पे निकालूंगा, उसके बाद अपन ब्रीड पे लगाएंगे, गाइस द फास्ट ट्रेवल मैन। ओके यार जब ये आइलैंड पे आ ही गए तो आनोविश के साथ भी खेल लिया जाए ना,
क्या बोलते हो, खेलेंगे यार थोड़ा तो खेलेंगे। ये देखो गाइस, मैं ये आइलैंड पे आया हूँ ना, अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखो सादा वाला टॉयस, मैं सादा वाला टॉयस दिखा रहा हूँ, और उसी के सामने अपना वाला देखो भाई, कितना ज्यादा बड़ा है यार, कितना ज्यादा बड़ा है भाई। इसके सामने मतलब ये तीन, तो ये एक देख रहे हो, ये तीन तो ये एक, ये लोग खत्म खत्म यार। ये देखो यहाँ पे भी एक है, मतलब ये लोग तीन है तो वो एक है। ये देखो ये देखो यार, यहाँ पे ये देखो अपना डिकॉइस को देखो भाई, एक एक एक, ये देखो खत्म खत्म खत्म, ओके मैन खत्म, क्रशर डीलिंग भाई खत्म। ओ भाई बस 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 बस, बस। तो खुद ब खुद ही रुक जाएगा। ओके देन अपन चलते हैं सीधा आनोबिश के साथ खेलने, नहीं रहते हैं भैया आनोबिश। टेरा को फेंकेंगे और आनोविश को थोड़ी बहुत गोली मार देते हैं। गोली क्या भाई, बॉम है ना, बॉम बॉम से काम चलेगा। जरूर जरूर जरूर, शील्ड शील्ड पावर पहले ऑन कर देगा, फुल पावर। ओके मैन फुल पावर मून ऑन, तो पिला गया भाई, खत्म खत्म है लौंडा, खत्म है। दिखता इस भैया जाइए तो, नहीं भाई ठोक दिया यार इसने आनोबिश को, टोका भी है, ऐसा नहीं है खाली मार खाया है। आनोबिश भी लटक रहा है, अपन आनोबिश पकड़ लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आनोबिश आने वाले हैं अपने पास। और यार अब तो पोकेमोन्स लोग को मारना बहुत ज्यादा इजी हो रखा है ना, तो पहले भाई पहले के टाइम पे मेरे को अभी भी याद है, आनोबिश को पकड़ने के लिए मेरी फट के 14 हो रखी थी जमीन में। चलो यार टोको टोको, ये देखो भाई ये लोग को तो ऐसे ही पकड़ लेंगे अपन यार, ये ब्लास्ट होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। तो अपन निकलते हैं सीधा बेस की ओर। ओके ये रहा भाई फास्ट ट्रेवल, ये ओके गाइस, तो वेलकम टू दी बेस यार। और अभी अपन चलते हैं सीधा पोकेमोन्स को ब्रीड करने। तो गाइस मैं पहले ना सब बॉस पोकेमोन्स को बाहर निकाल देता हूँ जो मेरे को पसंद है, जैसे कि एक ये हो गया फायरफॉक्स, ये एक कैच ये वाली, और एक ये सेलरे, और भाई ये भी बॉस है, ये भी बॉस है। जो भी जितने भी बॉस है ना सबको बेस में निकालेंगे, उठा उठा के सीधा ब्रीडिंग फार्म में फेंक दूंगा। ये शाइनी है भाई, तो शाइनी भी रखते हैं। ये मेमोरिस्ट का भी बॉस मस्त है। तो भाई ये गोल्डन बीटल कब आया, आई डोंट नो। रिलैक्सोसॉरस का एक बॉस रख लेते हैं एक्स्ट्रा। और तो और भाई मेरे पास रेना वोंग का भी बॉस है, ये देखो रेना होंग बोलेंगे कि रेना वोंग बोलेंगे जो भी बोलेंगे। रिजर्व बोल्ट को भी और जोई को रख लेते हैं, एक पोजाक को भी बुला लेते हैं, एक बैलेनर को भी बुला लेते हैं यार, और ये रेप्टायरो तो मर चुका है बेचारा। डिक्टोइज डिक्टोइज यहाँ क्या कर रहे हैं, चलो डिक्टोइज और गोरियर तेरा ये सबको भी बेस में फेंक देंगे अपन अभी तो इतना। ओके लाइल इसका भी बॉस मिल गया भाई, लाइलिंग नॉक का बॉस मिला, क्वाइजिंग नॉक का यार। अच्छा इसको तो मैंने यार डेंजन में पकड़ा था, ये देखो भाई साहब कितनी ज्यादा बड़ी है यार ये देखो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो गाइस आपन फटाफट से रिलैक्सोसॉरस अपना, ये कौन सा टाइप है, इलेक्ट्रिक टाइप है, और इसको फेंक देते हैं अपन। ओके ब्रीडिंग फार्म में साइन हो चुका है, और इलेक्ट्रिक टाइप को ना आइस टाइप से ब्रीड करवाते हैं, क्या निकलेगा आई डोंट नो, बट सब बॉस पोकेमोन को बॉस पोकेमोन से ब्रीड कराएंगे और बस ब्रीडिंग हो जाए भाई। ओके गाइस ये दोनों की ब्रीडिंग हो चुकी है चालू, और ये वर्सेक के बीटल, ये बीटल को यहाँ फेंकते हैं, ये ग्राउंड टाइप है ठीक है, ग्राउंड टाइप को कराते हैं अपन फ्लाइंग टाइप से कराएंगे, ये ग्राउंड टाइप को ना फ्लाइंग टाइप से कराएंगे, पता नहीं क्या निकलेगा, जो भी निकलेगा अपन तो फेंक देंगे सीधा। चलो भाई नहीं हो रही है ब्रीडिंग, वैसे तो दोनों फीमेल है, ठीक है आप निकलो सर। और तो फिर क्या किया जाए, ये मोटू मोटू हाथी से कराया जाए, ग्राउंड टाइप को आइस टाइप से भाई, ग्राउंड टाइप अटैक करता है आइस टाइप। ओके मैम ये देखो भाई हाथी कितना ज्यादा बड़ा है यार,
इतना बड़ा मेमोरिस्ट और यहाँ पे भी एक मेमोरिस्ट में निकाल रखा हूँ, तो ये मेमोरिस्ट को ना यहाँ फेंकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे भी ये दोनों की ब्रीडिंग चालू हो चुकी है, तो अब ये फायर टाइप है, क्या कैल्सिया नाम है भाई इसका, और इसको फेंकते यहाँ पे और इसकी ब्रीडिंग कराएंगे। भाई कितना प्यारा उड़ रहा है यार, ये देख रहे हो, ये देखो यार, ये देखो बहुत ज्यादा क्यूट है ये पोकेमोन, मेरे को बहुत प्यारा लगा। ये दोनों की साइज के हिसाब से अपन ये दोनों को यहाँ फेंक देते हैं। ओके गाइस, ब्रीडिंग होना हो चुकी है चालू, और अब ये एक बेलेनर लिवरो जो सो गई है तो जाने देते हैं, और ये रेप्टायरो को लेके चलते हैं। रेप्टायरो बोल रहा हूँ भाई, डिक्टोइज नाम है इसका। इसकी किससे कराई जाए भाई ब्रीडिंग, और यहाँ पे एक फ्लाइंग टाइप है, ये फायर टाइप है ना, ओके मैन फायर टाइप से कराते हैं। चलो आ जाओ, इसको पकड़िए भाई, चिड़िया उड़ी बस पे चढ़ी, क्या क्या बोलते हो, ब्रीडिंग होएगी कि नहीं होएगी, आई डोंट नो, लेकिन सबके पास केक तो होना चाहिए। ओके मैन, नहीं हो रही है ब्रीडिंग, नहीं हो रही है ब्रीडिंग, क्या आप इसको ले लेते हैं, तो बाजू वाले ब्रीडिंग फार्म में फेंक देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ग्रीजर गोल्ड को लेके चलते हैं। नहीं 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 नहीं, वो कौन सा टाइप था, यार कौन सा टाइप था, बट फायर टाइप है और वो ग्राउंड टाइप है। फायरफॉक्स की ब्रीडिंग करा दे भाई, कितना ज्यादा प्यारा है, तो प्लीज हो जा भाई। ओके गाइस, ये दोनों की ब्रीडिंग हो चुकी है चालू, और ये फायर टाइप है तो इसको लीफ टाइप से ब्रीडिंग करा दे। इसको देखो यार, कितने मजे से नहा रही है, क्या बोलते चिलड़ बाबा भाई, कितना ज्यादा प्यारी दिख रही है यार, ये सही बता रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा क्यूट है। और इसको देखो यहाँ आग लगाने आया, चल साले तो आग बाद में लगाइयो, अभी इधर आ, और इसको यार ब्रीडिंग फार्म में साइन कर देते हैं। और ग्रीजर गोल्ड, तू नहा रहा क्यों है, तू इधर आ, ग्रीजर गोल्ड को भाई इससे लगा देते हैं, रहना उनसे इलेक्ट्रिक टाइप है ना। ओके एक ओजाक को उधर फेंक देंगे ग्रीजर गोल्ड को। ओके ये दोनों की भी हो गई है चालू, और अब ये ओजा एक्सेलन ओजा है, और ये दोनों को भी ब्रीडिंग पे लगा देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ पर रीचेक, ये दोनों अभी ये सब घूम रहे, घूमने देते हैं ये लोग को, ये लोग बेचारे थोड़े मजे कर रहे हैं बीच में। तो मैंने लगाया यहाँ पे रिलैक्स सॉरी कैड की ब्रीडिंग, यहाँ पे भाई मैंने लगाया हूँ ये मेमोरिस्ट और ये बीटल की ब्रीडिंग, यहाँ पे भाई ये वाला मेमोरिस्ट है, और इसकी सब ब्रीडिंग इसकी, ओ ये रही भाई छुपा के ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इन लोग के साथ मैंने देखो ये कैल्सिया और ये सेलर की ब्रीडिंग, और भाई यहाँ पे मैंने लगा के रखा हूँ क्या नाम इसका डिक्टोइस और ये फायरफॉक्स की ब्रीडिंग, यहाँ पे भाई लगी हुई अपनी रेनोन की और ग्रीजर गोल्डन जोई की ब्रीडिंग, यहाँ पे भाई ओजाक और एक्सेल एंड द नेम इज पता नहीं क्या नाम है भाई इसका, जो भी नाम है। तो गाइस ये सबकी ब्रीडिंग हो चुकी है चालू, तो क्या निकलेगा, अपन एक ही घंटा हैच करेंगे सबका। ओके देन मैं चलता हूँ, ओ केक केक देख लेता हूँ यार, केक देख लेता हूँ ये लोग का केक है ना, देख सकते हो। ओ भाई 104 के गए यार, दिक्कत ही नहीं है कोई केक, 76 के गए, वहां पे भी 400 केक बनने रखा हूँ। ओके 144 के गए यार, केक क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, अपने पास है वाइजिंग और वाइजिंग नॉट, ठीक है। ये रहे भाई, तो इसको अपन टेस्ट करेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं, और रिलैक्स स्टोरेज का मेरे पास शेडल है, इसको लेके चलते हैं, और एक जर्मन डाइड इग्नाइस को लेके चलते हैं। ये देखो गाइस, अगर ये शेडल में है तो कैसा कर सकता है, तो ये मिसाइल भाई, इसकी मिसाइल अपन कहीं और यूज करेंगे, कितने लेवल का है पहले तो बेचारा बच्चा, 19 लेवल का, इसका लेवल अप किया जाए। इसका लेवल अप किया जाए यार, इसका लेवल अप किया जाए, ठीक है। और कहाँ गया ये रहा ट्रेनिंग, ठीक है भाई 55 लेवल, ये भी 55 लेवल। ओके देन गाइस, अब इसके पास पावर भी डबल हो चुकी है, हेल्थ भी डबल हो चुकी है, और ये लोग का भी अपन ना थोड़ा आनुबिस के साइड से नहीं जाने देते हैं अभी, तो फिलहाल के लिए गाइस मैं चला किसको मारने, नेक्रोमस एंड पैलेडियस के पास जाते हैं यार, जब तक के लिए वो लोग अंडे दे रहे हैं। ओके यहाँ पे कहीं मीटियोर शावर होने वाला है, तो अपन फटाफट से फ्री की लूट करने पहले जाते हैं, अभी भी चलेंगे, से पहले मैं जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा भाई, ये एंगल में होने वाला है, यही गिरेगा,
गिरेगा क्या भाई, गिर गया मेरे हिसाब से तो। ओके ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं, 76 मीटर है, मीटेरॉइड ही है भाई यहाँ पे तो खाली। मीटेरॉइड को क्या मैं कहाँ डाल लूंगा भाई, जाने दो, मीटेरॉइड का फ्रेगमेंट बाद में लेंगे अपन। फर्स्ट अपन चलते हैं यार दोनों भाई के पास, ये देखो यहाँ पे ये दोनों क्या भाई फॉर्म में, ठीक है फॉर्म में ही रहो। पीछे इन लोग सब इतना गुस्सा किए होते हैं मेरे को देख के, मतलब खा रहा थोड़ी हुई ये लोग तो। ओके गाइस तो यही रहते हैं वो दोनों ब्रदर्स एंड सिस्टर, या ब्रदर एंड ब्रदर बोल लो जो भी बोल लो आप लोग, वही है वो दोनों। तो कहाँ है भाई, ओए नेग्रोमास। ओके गाइस ये देखो नेग्रोमास, ये दोनों का मतलब क्या है, सीन क्या है, ज्यादा ज्यादा फ्री हो रहा है, ठीक है लो लो ले लो ले लो ले लो ले लो मजे ले लो थोड़े से भाई। खा गया जेड ड्रैगन, खा गया, ओए एक गया एक गया। मेरे जेड ड्रैगन में अंधी पावर है भाई, लेकिन मेरे को अंधी पावर वाले पोकेमोन से लगना नहीं है ना, तो अपन पहले तो ये भाई बेलेनर वाला अटैक कर रही है यार ये तो। आजा बॉल में, नहीं आएगा ठीक है कोई ना भाई, मार खा तू जब तक। जेड ड्रैगन ने तो टपका दिया, पहले डीएस बचाए ठीक है, नेक्रोमास मारा गया भाई, ये पड़ा है बेचारा नेक्रोमास सस्ती सी पुच्छी लेके। अब कौन ना बचा सकता तुझे मुझसे भाई, क्या मस्त मिसाइल अटैक है भाई, ये तो क्लोज आ गया, क्लोज आ गया, क्या मीडियर शावर मार रहा है और ये मर गया भाई साहब, मर गया ठीक है। अब लो डैडी से लड़ो, ये थोड़ा सस्ता पोकेमोन है भाई जो भी है। ओ मैन 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 मैन, ये क्या पत्थर के आर पार अटैक हो रहा है भाई मेरे ऊपर तो। अच्छा बॉल में बेटा, ऑल राइट गाइस तो ये बॉल में आना स्टार्ट हो चुका है भाई, कोई भी वो नहीं कह सकते हैं, सब बोझ ले रहे हैं, पबजी खेल रहा हूं मैं तो बेटा, क्या ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक अटैक कर रहा है, ऑल राइट आ जा पैलेडियस, आ जा पैलेडियस। ओके गाइस, ओके ओके गाइस, आ चुका है अपने पास एक पैलेडियस। चलो भैया फिर ऑस्ट्रेलियन चलते हैं यहाँ से, और फिर ऑस्ट्रेलियन नहीं भाई जेड ड्रैगन, ये थोड़ा स्लो है ना, ठीक है यार अब चलते हैं मीडियोर, मीडियोर वाइट शावर ले। और ये इन लोग को देखो क्या बच्चों, ये चिल्लर लोग मर गए बेचारे, ये आगे मारू, चलो आगे मारू, मारते हुए चलेंगे जो भी दिखेगा ना। चलो एक एक दो दो मिसाइल में भाई लोग का तो काम 25 हो जा रहा है, ये देखो एक मिसाइल कदम आगे मारू, ये रहा वो मीटियोरॉइड, यार शिट भाई तीनों चार एक बार में समाप्त। चलो मैं क्या बेटा, मतलब कमजोर दिखाई पड़ रहा है क्या मैं भाई, क्या हाँ कमजोर कमजोर समझ रखे हैं इन लोग ने मुझे, जानते नहीं है हूँ आई एम क्या। शिट ये अटैक मेरे को नहीं पसंद है क्योंकि इसमें एक बार में सबको मार देता है। ओके वो रहा भाई, वो रहा अपना फास्ट ट्रेवल, ठीक है चलो चलते हैं यार बेस पे और अपने पैलेडियस को देखते हैं क्या हालचाल। वेलकम टू दी बेस यार, तो गाइस अपना दे चुके हैं ये लोग, अंडा दिए कि नहीं, तो पहला ये देखो भाई छोटा छोटा लोग ये दे रहे हैं, चेक का फालूदा कर रहे हैं ये लोग, तो इसका क्या फायर एग दिए भाई, आइस टाइप और ग्राउंड टाइप मिलके फायर एग, पहले ये रॉकी एग में से देखते हैं क्या मिलेगा, लार्ज रॉकी एग का डिक टॉयज मिला भाई, और इसमें क्या है फायर एग है। ओके गाइस ये एक रेप्टायरो दे रहा है, एक डिटॉइज दे रहा है यार, तो कोई बेकार पोकेमोन नहीं है वैसे तो। ओके भाई साहब इस लोग ने बहुत बड़ा अंडा दिया है यार, कॉमन यूजर क्या मिलेगा भाई इसमें, में से क्या मिलेगा, नितविंग, इतने बड़े एग में से एक नितविंग निकला, चलो रे मिला जो गोल्डन एग दिया है। ओके इसमें में से क्या मिलेगा, भाई ये तो वो है हनी बेजर,
रॉकी एग भी इन लोग ने दिए भाई, और क्या है भाई और रॉकी एग में ओके, किटकिट किटकिट भी अच्छा पोकेमोन है, और ये दोनों का भी कॉमन छोटा सा एग ओके, और ये लोग ने भी एक छोटा सा एग दिया है। सो गाइस आप लोग देख रहे हो यार सब छोटा छोटा अंडा दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन अभी चेंज करते हैं ब्रीडिंग, और गाइस ब्रीडिंग में चेंज कर दूंगा अभी अभी के लिए, तो यार एपिसोड को एंड कर दूंगा, बट भाई मैं ऐसे ही अपने में ब्रीडिंग चेंज कर दूंगा ऑफलाइन, और फिर भाई जो भी पोकेमोन जैसा जैसा अंडा देंगे ना मैं आप लोग को अपडेट देते रहूंगा। सो गुड बाय टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय गाइस।